व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देख, कई बार यार आप लोगों ने देखा होगा, जिंदगी ना आप लोगों के साथ में खेलती रहती है, पर लेकिन हाँ, जब जिंदगी आप लोगों को खुशी नहीं देती, आप लोगों को लगता है यार जिंदगी बड़ी बुरी चल रही है यार, यार इससे अच्छे तो पहले वाली थी, अब तो बिल्कुल और भी गंदी हो गई है। तो उस टाइम पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, और ये चीज आप लोगों ने फील भी की होगी, जब जिंदगी आप लोगों की सबसे बुरे दौर से गुजर रही होती है ना, वो सबसे शानदार तजुर्बा आप लोगों को देकर जाती है। और वो एक ऐसा तजुर्बा होता है कि जो आने वाली जिंदगी है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को उसको नोटिस करना पड़ेगा। कई बार हम लोग क्या होते हैं, उन चीजों में इतना एक तरीके से मैसअप हो जाते हैं उन चीजों में इतना कि हम लोगों को अच्छी चीजें उसमें नजरें नहीं आती है। हम लोग ये सोचते हैं यार ये क्या चल रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है यार, यार ये दिक्कत कैसे आ गई जिंदगी में यार, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत आ गई यार, इससे तो लग रहा है निकला ही नहीं जाएगा। पर लेकिन अगर शांत स्वभाव में बैठकर आप लोग देखोगे तो वो जो दिक्कत है वो आप लोगों को इस तरीके से टैकल करनी है कि हाँ आप लोग इस दिक्कत से क्या कुछ नया निकाल सकते हैं आगे आने वाली लाइफ के लिए। अगर इस तरीके से आप लोगों ने दिक्कत को, प्रॉब्लम को, या फिर आप लोगों को जो लगता है बहुत बड़ी लाइफ में कोई दिक्कत आ गई है उसको टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो शांत स्वभाव में बैठकर ऐसे देखो जैसे थर्ड पर्सन हो आप लोग, ठीक है। यानी कि वो दिक्कत हाँ आपकी है, पर लेकिन अगर किसी और की जिंदगी में दिक्कत होती तो आप लोग उसको क्या सजेशन देते, फिर देखो चुटकियों में आप लोगों उसके जो है सॉल्यूशन निकलते हुए नजर आएंगे। तो जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। आप लोगों ने नॉर्मली कुछ ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो स्टार्टिंग से ही घर पे रहते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ में, पर लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से हॉस्टल में रहते हैं, जब दोनों एक जगह आकर मिलते हैं तो दोनों की लाइफ में फर्क देखना आप लोग। जो हॉस्टल में रहते हैं ना, वो जो घर पे रहते हैं, उनके जरा सी देर में कान काट लेंगे, उन्हें कहते हैं कि बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं बाहर रह रहकर कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस देखे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो कहां पर हो रही है, उसके बेस पर आप लोगों के तजुर्बे कैसे हैं। तो ये हमेशा कुछ खट्टी मीठी है यार जिंदगी, उसको एक उन्हें तराजू में मत तोलो हमेशा कि हाँ ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, जैसी है उसको या तो अच्छी बना सकते हो तो अच्छी बनाओ, वरना जैसी है उसको एंजॉय करो कुछ चीजों को ठीक करते हुए। ओके, काफी प्यारा और शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला, तो टकटकी लगाकर देखना है। तो ये जो लेक्चर है इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एक ओवरव्यू भी हो जाएगा क्या क्या हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इंटरनेशनल जो वीडियो डे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर जो विधवाएं होती हैं, कई बार जैसे कि किसी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ में लड़ाई होगी तो वहां पर बहुत सारी विधवाएं जो औरत होती जिनके हस्बैंड नहीं रहते, इसी के साथ में आप लोगों ने नॉर्मली देखा हो कोरोना की वजह से भी नई दिक्कत निकल कर आ गई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। तो इसकी थीम क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है उसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम है, आने वाले टाइम पर जो खिलाड़ी हैं उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। CAIMS, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे आने वाले टाइम में खासकर अपनी कंट्री में जो चीजें हैं वो काफी बेटर होगी खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडियन जो रेलवे से रिलेटेड यहां पर है जिसको बोलते हैं IRSDC, ये क्या काम करता है, ये नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी जो कि एक मेन एजेंसी है जो कि हमारी कंट्री में जहां पर भी जो भी रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलपमेंट का काम करती है। पुराने टाइम पर अंग्रेज तो बनाकर चले गए रेलवे स्टेशन जो भी उनको बनाने थे, अब हम लोग उनको कैसे लेकर चल रहे हैं, मरम्मत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी जो अभी रिसेंटली जो कई सारी जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, तो पुरानी हो गई है मरम्मत करनी पड़ती है। तो चीजें ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में घर में देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाएगी जैसे कि बेकार हो गई, कोई बाथरूम की कोई दीवार में कुछ हो गया, या फिर कोई आप लोगों को कोई दीवार में कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, कुछ और भी ऐसा आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो मरम्मत करते रहने पड़ता है, तभी चीजें जो है वो टिक पाती है वरना खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए जो रेलवे है, जो यहां पर रेलवे है उसके जो भी स्टेशन होते हैं उनका ये रीडेवलपमेंट का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टेशन को यहां पर रीडेवलपमेंट का काम इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, प्यारी इंफॉर्मेशन है, समझेंगे अच्छे से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात की जा रही है, इसके जो आज की डेट में जो इसके प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वह है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो यूएन जनरल सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरेस है यहां पर, अरे यार क्वेश्चन बनना था, अच्छा बन तो गया, कौन से नंबर के हैं ये, मुझे लगा क्वेश्चन ही नहीं बनाया, तो कौन से नंबर के हैं यहाँ पर जो ये अपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये सेकंड टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है। इससे पहले जो इनकी टर्म जो चल रही है वो जनवरी 2022 में खत्म होने वाली है, तो 6 महीने पहले यहां पर अनाउंस कर दिए गए कि आगे आने वाले टाइम के लिए यानी कि 2026 तक ये रहने वाले हैं। तो जनवरी 2022 यानी कि 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, क्योंकि ये जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर ये, तो पूरा साल 2022 का हो गया और 26 वाला भी पूरा साल यहां पर कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो पूरे 5 साल के लिए यहां पर इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करें यहां पर सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में जानेंगे आखिर क्यों न्यूज में है।
इंडिया के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में एक यूनियन टेरिटरी है जो कि काफी स्मॉल यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर कितने आइलैंड है टोटल इस यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो आप लोगों को बताना है। इसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अंदर टोटल कितने आइलैंड है पता होना चाहिए, कई बार पहले बता चुका हूं ये तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिफिक जो आइलैंड है यहां पर जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका नाम है यहां पर किरीबाती। ठीक है, तो यहां पर इतना ज्यादा सी लेवल जो बढ़ गया इसकी वजह से इनको इनकी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे एरिया में जाकर आइलैंड खरीदना पड़ रहा है ताकि वहां पर अपने लोगों को ले जाया जा सके। यानी कि समुद्र के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके चलते यहां पर इनको दूसरे एरिया में जाकर रहना पड़ रहा है और वहां पर जमीन खरीदनी पड़ रही है। तो कौन सा है इसके बारे में आप लोग बताइएगा जरूर। आगे बात करते हैं यहां पर जो बेसिकली आज की डेट में अगर आप लोगों को बोलो कि ऐसी जगह पर मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा जहां पर आप लोगों को अपना जो वेट है वो लगना बंद हो जाएगा, यानी वेटलेस लगेगी आप लोगों की बॉडी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है, यहां पर स्पेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी के द्वारा यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के साथ मिलकर ये यहां पर बेसिकली इसको बोला है INEUNA, ये बेसिकली हो गया कि देखिए समझिएगा इसको, इसकी फुल फॉर्म क्या है, IN हो गया इंडिया, EU हो गया यूरोपियन यूनियन, NAV हो गया नेवी, और ये बेसिकली यहां पर एनएवी तो फोर्स हो गया यहां पर, ये पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं आप लोगों को यार ये किया गया। ओके, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि अभी रिसेंटली ये एक मेडन यानी ये पहली एक नहीं है नई नई एक्सरसाइज यहां पर स्टार्ट कराएगी गल्फ ऑफ कहां पर, तो कौन से एरिया में है ये आप लोगों को बताना है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन और है यहां पर जिसको बोलते हैं यहां पर SHADE, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड अवेयरनेस एंड जो डी कॉन्फ्लिक्शन। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को ये बताना है ये जो ऑपरेशन है काउंटर करने के लिए पायरेसी, जैसे कि ओशन के अंदर जैसे समुद्री लुटेरे मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, तो वो वाली चीजें, तो ये हर टाइम कहां पर होती है ये आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में समझेंगे, इंटरेस्टिंग है यहां पर, तो कई सारी ऐसी प्यारी प्यारी बातें जानने को मिलेगी, कुछ नई कुछ पुरानी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, कुछ रिविजन भी होगा, तो काफी शानदार और काफी चटपटा और काफी अटपटा नहीं काफी इंटरेस्टिंग बोलूंगा चटपटा तो नहीं ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इंपॉर्टेंट डे आखिर क्या बात की जा रही है इंपॉर्टेंट डे के अंदर में, इसमें यहां बात की जा रही है इंटरनेशनल जो विडोज डे है, जो विधवा होती है उनके बारे में बात की जा रही है। तो 23 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट किस लिए करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो वुमेन इंटरनेशनल लेवल पर अगर विधवा हो गई है तो उसकी जिंदगी जो है वो कैसी हो रही है, उसके भी कुछ हक होते हैं, उसके राइट होते हैं, वो भी इंसान है, कई बार क्या जाता है उसको इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। नॉर्मल एक औरत है सोसाइटी में जिसके हस्बैंड है और एक ऐसी सोसाइटी में औरत है जिसके हस्बैंड नहीं है, तो उसको देखने का नजरिया आप लोगों का देखना। ठीक है, कई सारी तो उल्टी सीधी हरकतें, कई सारे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी कई सारी इस तरीके की, हाँ जो उनको दिखाया जाता है अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, साड़ी उनकी जिंदगी के रंग छीन ले जाते हैं, हस्बैंड चले गए तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कुछ ही नहीं है, उनको सफेद साड़ी पहनाओ, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मली जो सफर करती है सोसाइटी में, और ये कई सारी कंट्री में ऐसा नहीं, हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर डेथ हो जाती है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि इनविजिबल वुमेन, उनको सोसाइटी में ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं है। ठीक है, और इनविजिबल प्रॉब्लम और उनकी दिक्कत ऐसा लगता है लोगों को दिक्कत ही नहीं, ऐसा लगता है ये तो इसी के लिए बनी हुई है। जैसे पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा ना कि हाँ जो हस्बैंड की डेथ होगी तो जो वुमेन है उसको भी बेसिकली अर्थी में उसी के साथ बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं वुमेन को डिग्रेड करती हैं और ये दिखाती हैं कि एक पैट्रियारिकल सोसाइटी यानी कि एक पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो कैसे उसको रोकना है उसके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके अभी हस्बैंड की भी डेथ हुई और बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं। देखिए, अगर सोसाइटी में पुरुष की जो वाइफ है किसी इंसान की वाइफ की डेथ हो जाए तो इंसान को उस तरीके से नहीं देखा जाएगा, उसको तो और बेचारे के तरीके से देखा जाएगा कि यार इसकी ना वाइफ चली गई, बच्चे की देखभाल इसे करनी पड़ रही है। और पता चला अगर वुमेन अगर यहां पर हस्बैंड की डेथ होगी तो उसको अलग ही तरीके से देखा जाएगा, हाँ, अपने कहते हैं कई बार आप लोगों ने सुना होगा अपने खसम को खा गई, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं यार औरतों के लिए, मतलब हद रहती है। तो ये गलत चीजें हैं, उसी को हटाने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर डे के बारे में। एक और प्यारा सा डे है यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में बात की जा रही है, 30 जून को ये भी सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर जो गेम्स है उसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताता है। आउटडोर एक्टिविटी अगर देखने को मिले, घर पर बैठकर लूडो तो खेल लेते हो, पबजी खेल लिए, ये सारी चीजें जो भी चलती रहती है, कैरम वगैरह खेल लिए, पर लेकिन अगर बाहर जाकर खेला जाए तो उसका हेल्थ के ऊपर एक अलग ही इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी को यहां पर गेम को लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उसी के बारे में ये बताता है, उसी के बारे में यहां पर ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाता है आप लोगों के लिए। अभी ये बताना है जो अभी यहां पर टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक होने वाला है, ये 2020 का ओलंपिक था पर लेकिन अब ये 2021 में होने वाला है, पर लेकिन नाम यही रहेगा ओलंपिक 2020। ठीक है, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कौन से नंबर का ओलंपिक होने वाला है ये, अभी ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसके बारे में आप लोगों को ये बताना है। ठीक है,
एक और छोटा सा डे है जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस यानी कि यूएन के द्वारा जो भी पब्लिक सर्विस होती है उनको किस तरीके से यहां पर यानी कि रिकॉग्नाइज करना पब्लिक सर्विस, ठीक है, तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो पब्लिक जो सर्वेंट होते हैं उनको भी बेसिकली एनकरेज करना चाहिए जिस तरीके से एक करियर के तौर पर एक तरीके से, एक तरीके से पब्लिक की सर्विस आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं कल को चल का, तो जनता के लिए तो सर्वेंट ही हो गए ना, जनता के नौकर बोला जाए तो इस तरीके से लगता है कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है, पर सिविल सर्वेंट बोलते हैं तो इंग्लिश में अच्छा लगने लगता है, वैसे बोलो कि जनता के नौकर हो तो ऐसा लगता है बुरा लग रहा है, ठीक है। अब पॉलिटिशियन को ही देख लो, पॉलिटिशियन को बोलो कि हाँ यार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, नॉर्मल तरीके से बोलो तो क्या है, अरे जनता का नौकर है यार, ठीक है, जनता का नौकर है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अजीब सा लगता है, पर लेकिन रियलिटी में है वही, पर लेकिन उसको अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइफ में, किस तरीके से जो डेवलपमेंट के पार्ट में खासकर पब्लिक की सर्विस के लिए कैसे चीजें होती है, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, खासकर हेल्थ और एजुकेशन दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगर किसी इंसान को ये मिल जाए प्रॉपर वे में तो वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाएगा, पर लेकिन इनमें ही काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसी के बारे में बात की जाती है यहां पर, ये पता होना चाहिए। देखिए दो तो मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया, चलो है डे बता देता हूं, पर लेकिन ये वाला डे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कस तो इसलिए कर देता हूं, चलो कोई नहीं, पता होना चाहिए, जो भी है जितनी ज्यादा चीजें पता चले अच्छी बात है, ठीक है, पर लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर थोड़ा फोकस दीजिएगा, ओके। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, अब यहां पर बात करेंगे सो न्यूज के बारे में, इसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में न्यूज समझेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, वो तो एक टॉपिक से हो जाते हैं, आप लोग कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं उनको फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, यह है हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, यानी कि जो खेल मंत्रालय है हमारे देश का, उसके जो मंत्री हैं वो है किरण रिजिजू साहब। तो किरण रिजिजू साहब के द्वारा अभी लॉन्च किया गया यहां पर ये सेंटर एथलीट इंजरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि अगर कोई एथलीट है हमारी कंट्री में, कोई खिलाड़ी है, अगर उसको कोई भी इंजरी, कोई चोट लग जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कई बार ऐसी भी चोट लगती है कि वो आगे खेल ही नहीं पाता है, तो उसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसी को मैनेज करने के लिए यहां पर फर्स्ट ऑफ एक अलग ही तरीके की इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की साइड से, जो कि यहां पर फोकस में है रिसेंटली अभी। ये क्या करेगा कि यहां पर एक तरीके से क्या क्या दवाइयां देनी है, कैसे रिहेबिलिट सपोर्ट उसको प्रोवाइड करनी है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, उसको देखिए ओलंपिक 2020 या उसके आगे भी उसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। ये ऐसे लोगों के लिए है जो आगे आने वाले टाइम में पार्ट बनने वाले, टारगेट कर रहे हैं ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत, यानी कि आगे आने वाले टाइम में 2024 का कोई ओलंपिक खेलना है या फिर उसके आगे चलकर किसी ओलंपिक में इनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो एक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किया जाता है, ऐसा प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में भी आप लोगों को नजर आएगा। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंजरी होती है उसको मैनेज करने का यहां पर काम किया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी अपनी जी जान लगाकर तैयारी करता है और पता चला कोई दिक्कत हो गई लाइफ में, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश की कि हां उसके लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में आज की डेट में जो भी खेल, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है देश के लिए अपनी जी जान लगाकर, तो कम से कम फिर देश की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसमें एथलीट जो वेलनेस एक तरीके सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में मेडिसिन एक्सपर्ट आप लोगों को नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आप लोगों यहां पर कई सारी कोर टीम होगी सारी चीजों को देखने के लिए, और पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर जो आप लोगों को बताना है, 2024 में ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों को यह बताना है, क्योंकि 2020 के लिए तो अभी जैसी हालत है वो सही है, पर 2024 के कहां पर होने वाले इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग न्यूज लगी है। देखिए यहां पर अंग्रेजों के जमाने का ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन, कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा। बताइए कहां का ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोगों, बताइए, ये ऐसा लगता है जैसे कि महल बना रखा है पूरा रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहां पर अभी इसका रीडेवलपमेंट करने की बात की जा रही है इस रेलवे स्टेशन की। तो हमारे देश में अगर कोई भी रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट करना है तो कौन करता है यहां पर, ये अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन करता है तो बताइए, तो ये इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो एक कंपनी बना रखी है इसी पर्टिकुलर काम के लिए कि भाई साहब जहां पर भी कोई रेलवे स्टेशन जो है उसमें कोई दिक्कत लग रही है तो उसको जाकर रीडेवलपमेंट करो, उसको जाकर अच्छा बनाओ ताकि जनता को अच्छा लगे, एक तरीके से रेलवे स्टेशन पर आकर भी एंजॉय कर सके जनता। तो इसी के चलते यहां पर अभी रिसेंटली इसके द्वारा जो बात की गई कि एक तरीके से एक बिड, एक तरीके उन्हें बोली लगाने वाली, ठीक है, तो 9 बिडर सामने आए निकलकर। तो छत्रपति शिवाजी जो महाराज जो टर्मिनस है इसके बारे में बात की जा रही है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। आप लोगों ने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने इंडिया के अंदर जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारी कवर की है, तो उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में बात की थी। तो ये मुंबई के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक स्टेशन के तौर पर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ये बनाया गया था 1878 में, और हम लोग
डिस्कस कर रहे हैं 2021 में। तो देखिए अंग्रेजों के जमाने का ये काफी पुराना स्टेशन है, 10 साल में लगभग इसको बनाने में लगा था। और ये किसकी थीम पर ये बनाया गया है ये याद रखना। यहां पर इस तरीके के जो स्टेशन नॉर्मली ऐसी जो ट्रेडिशन जो स्टाइल जो फॉलो की जाती है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली बेसिकली जो नहीं यूएसए सॉरी यूएस नहीं यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर उसी के पैटर्न पर यहां पर बनाया जा रहा है जैसे ब्रिटिश जो है वहां पर चीजें बनाते थे। तो यहां पर जो इसके आर्किटेक्ट थे जिसके द्वारा ये बनाया गया था ये थे F.W. Stevens। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आ गया तो आप लोगों से कई बार नाम भी पूछ लेते हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो किसी के द्वारा क्रिएट की गई थी, पता आप लोगों बताइए कितनी बार बता चुका हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए, रिविजन करिए। चलो ठीक है देखिएगा जाकर इसको, इतना तो हक बनता है यार, इतनी सारी चीजें बताता हूँ, कम से कम क्वेश्चन के आंसर देते रहा करो, अच्छा लगता है मुझे कम से कम अपने लिए नहीं मेरे लिए ही दे दिया करो कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा, इसी बहाने आप लोग कुछ थोड़ा और पढ़ लोगे घर जाके। ठीक है तो बताना इसके बारे में जरूर। अभी बात करें जो ये स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहां पर एक स्टाइल का नाम दिया गया इसको इंडो बेसिकली इसको सैरिसेमिक। ठीक है तो सैरिसेमिक और इंडो स्टाइल यहां पर ये बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इंडियन स्टाइल है और जो ब्रिटिश स्टाइल है उसको मिलाकर ये स्टाइल बोला गया है। तो विक्टोरिया जो यहां पर विक्टोरिया गोथिक रिवाइवल स्टाइल जो यहां पर एक ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल देखने को मिलेगा जिसमें हमारी कंट्री को और बेसिकली जो लंदन की रेलवे स्टेशन है उसको बेसिकली कंबाइन कर यहां पर देखने को मिलता है स्टाइल। यानी कि लंदन में ऐसा रेलवे स्टेशन है तो अंग्रेज है उन्होंने यहां भी पूरा आविष्कार किया। एक बात बताऊं आप लोगों को जो अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, अगर अंग्रेजों के बारे में बात करूं आज की डेट में भी जो स्ट्रक्चर वो बना के गए ना हमारे देश में भाई साहब एक लेवल है उन स्ट्रक्चर का। रेलवे स्टेशन देखेगा पुराने पुराने इतने हैं आज की डेट में भी वो ऐसे के ऐसे ही टिके हुए हैं। पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखिए कोई ब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज गिर गया, अब मेट्रो वाला जो काम चल रहा है उसको छोड़ दो वो तो ठीक ठाक चीजें चल रही है अच्छे से हमारे देश में प्रॉपर पैटर्न में। पर लेकिन ये अगर आप लोग बात करो आज के दिन में जो नए ब्रिज वगैरह नॉर्मल तरीके जो बनाए जा रहे हैं पता चला टूट गया रोड बनाई एक साल के अंदर अंदर उसकी खस्ता हालत हो गई तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो बिल्कुल करप्शन के नाम पर काफी सारी चीजों को टैकल करके चलते थे। ठीक है यानी कि एक तरीके से टाइट एडमिनिस्ट्रेशन लगते थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हिस्ट्री से सीखना चाहिए पर लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री से कुछ ना सीखे, चीजें ऐसी बढ़ती रहे, गलती जो है ना ये कम से कम रिपीट ना हो तो हिस्ट्री की जो भी किए तो उससे अच्छा रहता है। तो सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर भी है हमारी कंट्री का यहां पर ये जो टर्मिनस है। ठीक है तो याद रखिएगा इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कई बार बन जाती है एग्जाम में और नहीं तो कुछ आप लोगों से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछ लेंगे तो फिर बोलेंगे बताओ कहते हैं कि पहचानो कौन क्या है बताओ इसके बारे में। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में अगर आप लोग याद रखेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक न्यूज बोल सकते हैं यहां पर बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है आइए देखते हैं इस न्यूज को। देखिए जो भी चीजें रहती है ना कंफ्यूजन अगर कोई रहता है तो बताया जरूर कीजिए उसके बारे में ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया अभी डॉक्टर B.R. अंबेडकर भवन। तो ये एक तरीके से हॉस्टल बिल्डिंग है यहां पर ये NIPNIEPID तो सिकंदराबाद कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना के अंदर। तो NI ये बेसिकली EP ये ID क्या है इसको पहले आप लोग समझिए, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है तो एक तरीके से यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये एक नया इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है? जी हां इससे पहले कहीं नहीं है क्या? ऑलरेडी है नोएडा में है न्यू दिल्ली में है कोलकाता में है मुंबई में है तो ये यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसको दिव्यांगन भी आप लोग बोलते हैं तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसके चलते जो बेसिकली ये क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में जो दिव्यांगन है नेशनल इंटरेस्ट में यहां पर फॉर्म किया गया था इसको एक तरीके से ऐसे नहीं कि जो एक तरीके से मेंटली हैंडीकैप्ड है कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग रहते हैं उनको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है कई सारी मूवीज में भी दिखा देते हैं। ठीक है जिस तरीके से कौन सी मूवी देखी थी अभी शायद हाँ वो थी अक्षय कुमार वाली मूवी थी अक्षय कुमार वाली मूवी जो लक्ष्मी बोम करके मूवी है। ठीक है उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो उसका जो लक्ष्मी का जो बेसिकली भाई रहता है ठीक है वो उस तरीके से रहता है उसको बोलता है चलो खेलते हैं अपने सर पे कनपटी पे बंदूक लगाओ चलाओ तो उसी को उसके आते से ही मरवा देते हैं। ठीक है तो ये मेंटली इल पर्सन इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो ज्यादा सोसाइटी में वैसे तो इंसान से ही होते हैं पर लेकिन सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है तो इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है तो उसी के बारे में कुछ बातें की जा रही है तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। आज के दिन में हमारी कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करने जाते हैं यूएसए के अंदर में, तो यूएसए के अंदर जाकर अगर उनको ग्रीन वीजा मिल जाए, एक तरीके से ग्रीन कार्ड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनको काफी ज्यादा फायदा होता है, वहां पर रहने का उनका जुगाड़ हो जाता है अच्छा खासा, और हमारी कंट्री काफी सारे लोग जो है वो इसको एंजॉय भी करते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक टेम्परेरी से थोड़ा सा ये परमानेंट टाइप का हो जाता है ग्रीन कार्ड अगर मिल जाता है यूएसए के अंदर में, तो यहाँ पर ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। तो जो डेमोक्रेट है और जो रिपब्लिकन है दोनों पर्सन इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल जो बेसिकली इंप्लॉयमेंट है, यहाँ पर ये एक एक्ट लाया जा रहा है 2021 का, यहाँ पर ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, तो जो भी इनके यहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर जो इनका जिस तरीके से आप लोग हमारी लोकसभा बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके चलते जो यहाँ पर लोगों को ऐसा था कि 7% पर कंट्री की लिमिटेशन रखी गई थी इंप्लॉयमेंट में इस पर्टिकुलर एरिया में इमिग्रेंट वीजा के तहत, तो ये 7% से इसको बढ़ाकर यहाँ पर अब 15% यहाँ पर कर दिया गया, तो ये फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों करते हैं लोग, देखिए हमारी कंट्री में लोग ना बड़े टैलेंटेड हैं, ये तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए, हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं और हमारे देश के लोग जो है पूरा दुनिया चला रहे हैं आज के डेट में, तो इसलिए कहीं जाकर अगर वो काम करते हैं तो उस तरीके से आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहाँ पर मान लीजिए यूएसए के अंदर अलग अलग जैसे डॉक्टर की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, टीचर की बात करें, बहुत सारे टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूएसए की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए नजर आते हैं, जो कि एक हाई प्रोफाइल टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा टीचर वगैरह जो है ना, जैसे कि ऐसी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर उनको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, मतलब कि एक तरीके से जितनी जो रेस्पेक्ट और जितना जो एक तरीके से जो उनको अर्निंग वहां पर होती है एक तरीके से किसी को सोसाइटी में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी बिजनेसमैन के अलावा। तो इसलिए मैक्सिमम जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आप लोगों ने नाम सुनोगे जैसे पी चिदम्बरम साहब हो गए, मनमोहन साहब हो गए, ठीक है, इसी तरीके से अपनी कंट्री के रघुराम राजन साहब हो गए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां पर टीचिंग की है जो फॉरेन कंट्री में और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। इसलिए इंडिया में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, इवन ऐसे भी आप लोगों को लोग कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आईएएस की जॉब छोड़कर वहां पर जाकर टीचिंग करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो इसे ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड अगर मिल जाता है तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। अब तक 7% का जो रूल था ये मिड 20th सेंचुरी से यहां पर चला हुआ रहा है, तो अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज्यादा लोगों को, इसके चलते यहां पर ये और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जो है यहां पर लोफग्रेन और इसी के साथ में जो रिपब्लिक है जॉन क्रिस्ट, इनके द्वारा यहां पर ये चीजें जो लाई गई हैं, तो फायदेमंद है हमारी कंट्री के लिए, तो अच्छी बात है हमारी कंट्री के और ज्यादा लोगों को वहां पर रहने खाने पीने के लिए अपनी जिंदगी जो है वो सही तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। हालांकि ये जो न्यूज है मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिले यहां पर, ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, KHURASAN, तो खुरासान वाला ये रीजन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये न्यूज में है, हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 4 महिला थी उनको रिटर्न लेने से देश में मना कर दिया है, क्योंकि वो आईएस के साथ में जाकर मिली थी। और ये किस एरिया से थे, यहाँ पर आईएस जो इस्लामिक स्टेट इन जो खुरासान प्रोविंस है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंट्री ने उनको बेसिकली एक तरीके से अलाउ नहीं किया है, कि ऐसा लग रहा है कि इनकी जो माइंड सेट है वो बिल्कुल वो नहीं कहते क्लीन कर दिया गया, और आगे चलकर देश के अंदर हो सकता है फिर से इनका मन करे और फिर से देश के अंदर कुछ गलत चीजें यहाँ पर देखने को मिले, तो उसके चलते यहाँ पर अभी न्यूज में आ गए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या क्या चीजें उसके बारे में आप लोग समझिएगा बेसिकली, तो ये बोला जा रहा है कि अभी इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो यहां से ये कई सारे रीजन है बेसिकली अगर आप लोग इसके बारे में बोले, नॉर्मली पहले बोला जाता था तो इस्लामिक स्टेट ऑफ जो यहां पर इराक और जो बेसिकली यहां पर लेवेंट जो सीरिया वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा आसपास वाला रीजन, तो कई तरीके के रीजन है उनके नाम पर, इनके नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये अगर बात की जाए जहां जहां पर भी आप लोग यहां पर देखते हैं ये काफी सारे एरिया में यहां पर फैला हुआ था, तो अलग अलग देश से लोग जो लोग आते थे यहां पर एक तरीके से अलग अलग कंट्री के यहां पर जो आकर पार्टिसिपेट करते थे, उसके चलते यहां पर अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग गए तो अभी वापस लेने से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया है। तो खुरासान जो है इसको खुरासान बेसिकली ये नाम इसी के रखे गए यहां पर ये, तो ये नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न ईरान वाले रीजन को नॉर्मली काउंट किया जाता था, पर लेकिन अब यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न जो पर्शियन एम्पायर है उसको ये काउंट करते हैं, ना कि ओनली ईरान को, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है रिसेंटली अभी न्यूज में था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था पाखी के बारे में, तो ये भी याद रखेगा, रीजन इसका करा देता हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है पाखी जो टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पाखी टाइगर रिजर्व या फिर इसको पखोई टाइगर रिजर्व के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। लगभग 200 के करीब जो वर्कर है उन्होंने यहाँ पर अभी काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से न्यूज में था। कहां पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो इस तरीके से यहां पर पाके रिवर भी है, ठीक है, तो इसी के साथ में यहां पर बारेली रिवर, उसी के साथ में कमिंग जो रिवर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये ईस्टर्न हिमालय के अंदर आप लोगों को नजर आएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, तो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर का भी पार्ट है, तो आप लोगों से कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई।
अब थोड़ा सा डिटेल में न्यूज समझेंगे जो यहां पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। देखिए आप लोगों से ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोगों से आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसा काम करती है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में बात की जाती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, जो एडिटोरियल जो खासकर जो एक्सप्लेन वाला पोर्शन होता है इंडियन एक्सप्रेस का, तो वहां से कई सारी ये न्यूज में उठाता हूं ताकि आप लोगों का पूरा जो चीजें अच्छे से कवर हो जाए। तो यहां पर अभी हम लोग बात करेंगे यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में। नाम क्या है इनका? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलहाल सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड जो नेशन के अंदर में। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से देश से निकल के आते हैं, तो ये पुर्तगाल से निकल के आते हैं, जिसको आप लोग नॉर्मली पुर्तगाल बोलते हैं। तो अपनी कंट्री के साथ में याद करिएगा पुर्तगाल कहां पर है, यहां पर पुर्तगाल एक हिस्ट्री के साथ में भी एक इंसिडेंट के साथ में है कि पुर्तगाल का एक पर्सन जो था हमारे देश में आया था, नाम याद है उसका? यहां पर पूछा था, ठीक है, नाम बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नॉर्मल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो यूएन के जो जनरल असेंबली है उनके द्वारा इनको अभी अपॉइंट कर दिया गया सेकंड टर्म के लिए। तो ये 9th यूएन जनरल सेक्रेटरी है यहां पर, जिनकी सेकंड टर्म अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, तो 9th है यहां पर ये। तो फर्स्ट इनका जो यहां पर अभी 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा ये सेकंड टर्म, और 26 तक चलने वाला है। पहले वाला जो इनका स्टार्ट हुआ था ये 17 से स्टार्ट हुआ था यहां पर, और ये बेसिकली कब तक था, ये दिसंबर 21 तक खत्म हो रहा है। तो यहां पर 17, 18, 19, 20, 21, तो 5 साल खत्म हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो री इलेक्ट इनको यहां पर किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर तो कंफ्यूज आना नहीं है कि हाँ क्या हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ओके। अगर बात की जाए यहां पर इनके द्वारा पहले भी काफी अच्छा रोल प्ले किया गया यहां पर यूएन के हाई कमिश्नर के तौर पर फॉर रिफ्यूजी, 10 साल तक यहां पर इनके द्वारा काम किया गया और 10 साल के लिए अभी यहां पर हो गए। तो 2005 से लेकर 2015 तक तो ये इस पोस्ट पर रहे। अब 2000 बेसिकली ये 17 से लेके तो यहां पर अभी देखने को मिल रहे हैं 26 तक का यहां पर रहेंगे, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर 10 साल हो गए, 20 साल टोटल इनको आप लोगों को यूएन में एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर थे पहले पुर्तगाल के, ऐसे जैसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं आगे चलकर अब यूएन के वो यहां पर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चले जाए, ठीक है, कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट है जो जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर किया था, रिकमेंड किया था सिक्योरिटी काउंसिल के लिए यहां पर बेसिकली, यानी कि एक तरीके से यूएन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सारे काम करती है। तो जनरल असेंबली जो है वो यहां पर अपॉन दिस रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो काफी मेन इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर थोड़ी बात करें यहां पर जो सेक्रेटरी जनरल है यहां पर, ये इनका सेकंड टर्म है अभी यहां पर, ठीक है। तो नॉर्मली सेक्रेटरी जनरल के पास में ऑप्शन होता है कि वो अपनी सेकंड पोस्ट ले सकता है, ठीक है, अगर नहीं मन कर रहा है तो, मतलब भैया। तो जनरल असेंबली जो है यहां पर ये जो इसमें सेंट्रल पोजीशन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर यूएन के अंदर में जो भी काम किया है पॉलिसी बनाना या फिर कोई एक तरीके से कोई भी चीजों को डिस्कस करना, कोई भी जो चीजें होती है ना कि मेन काम यही करती है यहां पर, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई रूल और रेगुलेशन को लेकर आना, ठीक है, तो ये काम करती है। इसके अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करिए तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहां पर यूएन चार्टर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर यूएन चार्टर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब चार्टर बोलोगे क्या है, चार्टर होता है संविधान, जैसे हमारा संविधान तो इंडियन चार्टर आप लोग नॉर्मली बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चार्टर होता है एक तरीके से संविधान होता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो ये क्या है यहां पर, इसके तहत यहां पर कि शांति और सिक्योरिटी कैसे रखनी है, ठीक है, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है 15 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर है जो कि कभी हटते नहीं है, यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना और यूके, इनके पास में वीटो पावर होती है। अगर इन 5 में से एक को भी लगता है कोई चीज पर ये सहमत नहीं है तो वो काम नहीं होगा, यानी कि इनको लगा कि हाँ ये काम नहीं होना चाहिए, 5 में से एक ने बोल दिया तो वो काम नहीं होता है। बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं, कितने रहते हैं टोटल नॉन परमानेंट मेंबर, 10 रहते हैं। तो टोटल 15 मेंबर यहां पर पूरी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं यहां पर, चैलेंजेस क्या है यहां पर यूएन से रिलेटेड। अगर आप लोग बात करिए तो यूएन जो जनरल असेंबली है यहां पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, जो परमानेंट मेंबर है वो मेनली यहां पर अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, यानी एक तरीके से जो डिसिसिव पावर होती है ये परमानेंट मेंबर अपना दुनियादारी चलाते हैं, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता यहां पर, यही अपना यहां पर सारा काम करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या क्या इनको सिस्टम करना है, क्या क्या लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सबसे गलत बात भी आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली जो 5 परमानेंट मेंबर है ये अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते हैं यहां पर, ना कि दूसरी कंट्री के फायदे के लिए, ठीक है, यानी कि दुनिया के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, ये अपने जो दोस्त हैं उनके फायदे के लिए। से यूएसए क्या करते हैं, अगर यूएन जो यहां पर जो सिक्योरिटी, अगर यहां पर जैसे यूएन के अंदर अगर बात करें, जैसे यूएसए ने क्या किया, वो कोशिश करेगा कि इसराइल के ऊपर कुछ आंच ना आ जाए, ठीक है, जैसे चाइना क्या करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच ना आ जाए। तो इस तरीके से एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जाती है एक दूसरे की कंट्री को। तो यहां पर इसीलिए कई सारे मेंबर क्या करते हैं, इन 5 मेंबर को हमेशा अपने किसी न किसी मेंबर को पकड़ के रखते हैं कि अगर कल को हमारे खिलाफ कुछ होने लगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वहां पर आप लोग किसी न किसी मेंबर को पकड़ लो, वो मेंबर वीटो कर देगा,
उसने जैसे ही वीटो कर दी वो मुद्दा वहीं पर ही रुक जाएगा। तो ऐसी चीज देखने को मिलती है, इसलिए कई बार ये बोला जाता है कि जो 5 मेंबर है इनकी जो वीटो है वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक चीज में उसको कन्वर्ट कर दो कि मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया तो काम खत्म हो गया, मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाना चाहिए कि हाँ अगर पांचों में से अगर 3 ने कोई बात बोल दी, 4 ने कोई बात बोल दी तो ही वो काम हो गया। ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया तो काम खत्म हो गया, तो उसके चलते गलत चीजें हो जाती हैं। तो इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए सोचते रहते हैं। तो यूएन चार्टर के बारे में बात करें तो कई बार उसको एक ऐसा देखा जाता है कि यहां पर एक तरीके से कि ऐसे नहीं कि वेग है, उसमें यहां पर कई सारी चीजें, जैसे ड्यूटी क्या है सेक्रेटरी जनरल की वही नहीं है, उस 5 मेंबर जो है वही दादागिरी यहां पर चलाते रहते हैं। तो इसके चलते तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। रिसेंटली अब अगर अभी बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसकी बेचारे की खस्ता हालत हो गई। यूएसए की गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, इसको पैसे देने से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो ये बेसिकली घुटनों पर आ गया, तो प्रेशर में आ गया यूएसए की गवर्नमेंट के फेवर में, बात करने लगा फिर यहां पर यूएसए की फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से काम करने लगा। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में आप लोग देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें आप लोग डोनेशन लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने कोई कंपनी स्टार्ट कर ली और वो कंपनी डोनेशन के ऊपर चल रही है। अब डोनेशन मान लीजिए किसी को देने का मन है और किसी का डोनेशन देने का मन नहीं है, अब उसमें इंप्लॉय की सैलरी तो आप लोगों को रेगुलर देनी है जो भी वहां पर काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक महीने में डोनेशन आ गया 5 लाख रुपए और लोगों की सैलरी जो बैठ रही है वो बैठ रही है 4 लाख रुपए, चलिए ठीक है आप लोगों के पास में 1 लाख रुपए बच गए और खर्चों के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं उसको, पता चला अगली बार जो 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए डोनेशन है कैसे सैलरी चल पाएगी। तो WHO का ये काम होता है, वहां पर डोनेशन के ऊपर काम चलता है, मैक्सिमम कंट्री आकर डोनेट करती है तो उसके चलते उसकी दुनियादारी चलती है, उसकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है कि परमानेंट उसको कोई अर्निंग मिलती रहे, डोनेशन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़े कि हाँ इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका काम चलता रहे। मान लीजिए उनको COVID-19 के लिए इंडिया की हेल्प करनी है पर लेकिन उनको डोनेशन ही नहीं मिल रहा है तो कहां से हेल्प कर पाएंगे, कहां से उनका काम चल पाएगा, कहां से अवेयरनेस कैंपेन चला पाएंगे, वो सारी चीजें कैसे कर पाएंगे, दवाइयां कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसलिए डोनेशन के ऊपर परमानेंट चीजें नहीं चल सकती, डोनेशन के ऊपर टेम्परेरी चीजों की हेल्प की जा सकती है। चलो अब की बार डोनेशन मिल गया चलो हेल्प कर देते हैं, अगली बार नहीं मिलेगा तो नहीं हेल्प हो पाएगी। तो इसलिए अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को चलाती है चलानी है तो डोनेशन के ऊपर नहीं चलेगी, उसके लिए परमानेंट रिवेन्यू होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर काम मिलता रहे। पर लेकिन ये डोनेशन के ऊपर चली थी तो यूएसए ने बोला डोनेशन नहीं देंगे तो इसका क्रिटिसिज्म हो गया यहां पर, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आगे चलकर आप लोगों को भी कुछ चीजें एस्टैब्लिश करनी है तो डोनेशन एक अलग चीज है, कोई अपनी इच्छा से दे दे पर लेकिन एक परमानेंट कोई वहां पर एक फीस होनी चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉय आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आगे उनको प्रॉपर सैलरी मिलती रहे, वरना घर गृहस्थी चलनी बंद हो जाएगी लोगों की, ठीक है। आप लोग मान लीजिए यूएन के अंदर काम कर रहे, यूएन बोलने लगे कि यार सैलरी नहीं मिल पाएगी डोनेशन नहीं आया, आप लोग क्या बोलोगे, भाई साहब मुझे घर का किराया भी देना है, मुझे बच्चों की एजुकेशन की फीस भी देनी है, मेरा कैसे काम चलेगा। तो ये दिक्कतें कई बार यहां पर निकल कर आ जाती हैं, तो इनको भी दूर करने की कोशिश की जाती है क्योंकि तो डिपेंडेंसी होगी, जिस कंट्री ने अगर कान ऐड दिया फिर उधर से यहां पर आके ये कंट्री बढ़िया उसकी बढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। तो ये यूएन के अंदर ये सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। 193 मेंबर हैं यूएन के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं टोटल मिलाकर, ठीक है। तो इंडिया जो है यहां पर एक चार्टर मेंबर है स्टार्टिंग से, यहां पर ऑल जो स्पेशलाइज एजेंसी है उसका पार्ट है। हमारी कंट्री के बारे में बात करें मेन ओनकर आप लोगों को यूएन जनरल असेंबली, यूएन काउंसिल, इसी के साथ में आप लोगों को यूएन इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओबीसी का पार्ट है, यूएन सेक्रेटरिएट इसी का पार्ट है, ट्रस्टशिप काउंसिल इसी का पार्ट है। तो ये कुछ ऐसे मेन ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे प्रोग्राम इनके चलाए जाते हैं जिस तरीके से फंड किए जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यूएन के बारे में बात करें तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, जैसे यूएन डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूएन इन्वायरमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूएन ह्यूमन राइट जो सेटलमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूएन वर्ल्ड फूड के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम डोनेशन के बेस पर कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी बात भी की जाती है कि कोई परमानेंट यहाँ पर होना चाहिए कि इतना पैसा इसको मिलता रहेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ताकि इसकी चीजें आगे बढ़ती रहें। आप लोग क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो सेंसरशिप ऑफ फिल्म इन इंडिया, तो इसके बारे में अगर बात करिए हमारी कंट्री में कोई मूवी बनी, ठीक है, वो मूवी जो है यहां पर उसको चेक किया जाएगा जो बेसिकली पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा, उसमें देखा जाएगा इसमें कोई आलतू फालतू जलालतू चीजें तो नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से सही है, पता चला वो सोसाइटी में 2 रिलीजन के बीच में लड़ाई लगवा दे, कोई ऐसी हरकतें तो नहीं है, तो उनको चेक कर उसको फिर आगे मूवी को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये सारा जो काम करता है यहां पर ये पर्टिकुलर बोर्ड यहां पर ये काम करता है, तो उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। अभी ये न्यूज में किस लिए इसको समझिए, ये बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो ये यहां पर काम करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो इसके द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आया गया 2021, इसमें ये बिल है अभी एक्ट नहीं बनाया, यानी कि अभी यहां पर ये डिस्कस किया जाएगा आगे बढ़ेगा चीजें, तो इसमें रिविजनरी पावर देने की बात की जा रही है, इनके संशोधन शक्तियां लेने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर कोई भी चीज जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अलाउ कर दी तो फिर से उसको रिवीजन किया जा सके, फिर से उसको रिव्यू किया जा सके कि नहीं गलत अलाउ कर दिया है, फिर से इसको रिव्यू करो, तो ये ऐसी पावर लेने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप लोग मान लीजिए कोई एक होलसोल अथॉरिटी है, ठीक है, आप लोग मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में आईएएस ऑफिसर हो, तो आपके पास से पावर है, तो यहां पर अगर कोई आप लोगों को बोलने लगे कि नहीं ये पावर जो है ये चेक एंड बैलेंस में रखी जाएगी हमेशा, आप जो भी काम कर रहे हैं हम लोग देखेंगे उसको सही है फिर गलत है, वरना फिर से हम लोग उसको वहां पर आपको जो काम है उसको रोक सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर जो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो यहां पर काम कर रही है, कल को चलकर अगर कोई ऐसी मूवी बनती है जो उनको लगता है या फिर अगर पायरेसी का खतरा लगता है कि इसमें ऐसे नहीं कि पायरेटेड सीडी बना ली, तो उसके चलते भी चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है, तो उसमें यहां पर ये कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि अगर कुछ भी दिखाना है तो उसको प्रॉपर वे में दिखाया जा सके। तो यहां पर इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी केस था, यहां पर ये 2000 में अन्य कर्नाटक का जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसने सेंटर को ये पावर देने से मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर बोर्ड ने कोई चीज अलाउ कर दी तो वो यहां पर उसको काम करेगा, तो यहां पर स्टक डाउन कर देते सेंटर की रिविजनरी पावर। इससे क्या लगता था कि यहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रहेगी, अगर कोई ऐसी मूवी दिखाई जा रही है जिसमें करप्शन दिखाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको हो सकता है कि वो यहां पर एक तरीके से अलाउ ना करे, तो वो दिक्कत देखने को मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मूवी बन रही है अगर, तो उसको बोलेगी कि नहीं इसमें तो हमारी बेइज्जती की जा रही है, हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है सर, घोटाले हुए गवर्नमेंट के उसमें उसको दिखा दिया मूवी के अंदर, तो इसको रोका जा सकता है। तो इसके चलते ये केस ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया लेजिस्लेचर के चलते यहां पर कि सर्टेन केस को आप लोग यहां पर एक तरीके से ओवर रूल कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। तो जुडिशियल जो एग्जीक्यूशन के बारे में अगर बात की जाए, जुडिशियल या फिर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बारे में बात की जाए, तो एक अप्रोप्रिएट आप लोग लेकर आ सकते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग किसी भी उसको आप लोग खिलाफ आ रही है उसको आप लोग अलाउ ही ना करो। तो ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 जो है ये ग्रांट करेगा यहां पर रिविजन, जो बेसिकली रिविजनरी पावर यहां पर गवर्नमेंट को, जिसके चलते यहां पर ये सेक्शन 5B जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 का, उसके अंदर यहां पर री एग्जामिनेशन की बात यहां पर लिखी जाएगी, ठीक है, जिसको ऑलरेडी सर्टिफिकेट दिया जा चुका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा, तो उसको रिविजन किया जाएगा। तो यहां पर क्या क्या होता है, क्या क्या सर्टिफिकेट नॉर्मली देते हैं, एक तो यूनिवर्सल बोल देते हैं कि हाँ ये सबके लिए अलाउ है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड नॉर्मली उसको बोल देते हैं। आगे बात करें यहां पर जैसे UA जिसमें A आ गया, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर चीजें फिर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये अंडर इस पर्टिकुलर एज की बात UA 7+ आप लोग बोल सकते हैं, UA 13+ या UA 16+, यानी कि ये जो लोग हैं उनको यहां पर देखना है। कई सारी डरावनी चीजें होती है बच्चों के लिए, मान लीजिए बोल दिया, ठीक है, तो बच्चों को नहीं दिखानी है वो चीजें, बच्चों के काम की नहीं है। सेक्सुअल कंटेंट उसके अंदर आ गया, गाली गलौज बहुत ज्यादा आ गए, तो किसके लिए वो दिखानी है? तो इसके बेस पर जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो अलग अलग सर्टिफिकेट देता है। पता चला फैमिली के साथ में बैठकर देखने की कोई मूवी नहीं है, ठीक है, तो उसकी ऐसी मूवी है पता चला तो उसको यहां पर रोकना पड़ेगा क्योंकि गाली गलौज हो रही है, उसमें सेक्सुअल कंटेंट आ गया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें मतलब किस वगैरह और सारी उल्टी सीधी सारी चीज दिखा रखी है ओपनली, तो वो थोड़ी ना फिल्म परिवार के साथ बैठकर कोई इंसान देख पाएगा, तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उस कैटेगरी में ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा ये वाली कैटेगरी है, तो उसको फिर से रिव्यू करने की जो कोशिश की जाए तो उसके बारे में बात की जा रही है कि हां क्या सही डिसीजन दिया है, तो उसके बारे में बात चल रही है। अगर को भी रोकने की कोशिश की जाए, देखिए ओरिजिनली मूवी बना दी, आप लोगों ने देखा होगा जो ये मूवी नहीं थी जो नाम माइंड से निकल गया, आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोरा मार, मूवी का नाम क्या था, मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है। तो यहां पर कई बार ना लेक्चर के अंदर इतना घुसा रहता हूं, अगर कुछ नाम याद करना पड़ता है तो उसके अंदर से निकाल के लाना पड़ता है अपने आपको कि क्या था, मतलब सीन याद आ जाएगा मूवी के, अच्छे ऐसे ऐसे चीजें थी पर लेकिन बैकग्राउंड में उसका नाम याद नहीं आता है, तो ये चीजें हो जाती है कई बार, ऐसी चीजें कई बार मैंने फील किया, मतलब लेक्चर चल रहा है और बीच में कुछ चीजें सोचने लगूं तो जल्दी से याद नहीं आती है, इतना फ्लो में रहती है चीजें। तो उसको बेसिकली उसकी जो मूवी थी वो रिलीज होने से पहले ही उसकी पायरेटेड जो सीडी थी मार्केट में आ गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है जो फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, तो उसी के चलते यहां पर, तो आगे चलकर एट प्रेजेंट में कोई भी ऐसा इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है कि आप लोग चेक कर सको पायरेसी को, तो पायरेसी को भी चेक किया जाएगा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के हिसाब से, तो उसमें चेंज लाया जाएगा। तो ड्राफ्ट जो है यहां पर इसके अंदर अनऑथराइज किया जाएगा, अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है तो उसको रोका जाएगा ताकि जो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसका फायदा मिल सके। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर कोई मूवी बनाई और पता चला वो मूवी थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई, लोगों के पास में मोबाइल में देखना है, इंटरनेट पर मिल रही है वो सब जगह, तो कैसे काम चलेगा, वो तो बर्बाद हो गया सामने वाला इंसान जिसने पूरी जिंदगी कमाई उसके अंदर लगाई, तो वो सारी चीजें भी रोकने की कोशिश की जाएगी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है यहां पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में, यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसी जिंदगी चल रही है, ठीक है। तो यहां पर ये रेगुलेशन होता है इसको सिनेमेटोग्राफ है यहां पर 1952-1952 का और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग देखिएगा, हमारी कंट्री में ये चीजें लाने की क्यों कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर से रिविजिट करें, क्योंकि मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा तो चीजों को अलाउ कर दिया, पर लेकिन गवर्नमेंट उसको क्यों देखने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर कहां से लेकर आ रही है? तो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में रखे गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर,
आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जो आर्टिकल 19 है और उसका जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें यहां पर ये बोला जाता है कि हमारे देश की सोवरेनिटी संप्रभुता को इंटीग्रिटी को कोई हनन कर रहा है, ठीक है, इसी के साथ में किसी पड़ोसी देश के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है उसको बर्बाद कर रहा है, स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, ठीक है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत कर रहा है, कोई डिफेमेशन इस तरीके का कोई आप लोगों को देखने को मिला, कोई ऐसी दुर्गति सोसाइटी में अगर न हो उसको रोकने के लिए यहां पर ये बेसिकली देखने को मिलती है। तो सिनेमेटोग्राफ जो है यहां पर 1952 का, उसके चलते यहां पर सिमिलर प्रोविजन यहां पर इसके अंदर स्टेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको रोका जा सके। तो इसके चलते ये पूरा दुनियादारी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक मुद्दा क्या है इसके आते, ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनकर कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जान पाएंगे, यहां पर समझते हैं यहां पर बेसिकली बात क्या की जा रही है। बात की जा रही है यहां पर लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के क्या बारे में बात की जा रही है, अभी रिसेंटली कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात की गई। तो लक्षद्वीप जो है अपनी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे एग्जैक्टली मैप में अगर आप लोग इसको निहार पाएंगे तो ये हो गया लक्षद्वीप यहां पर, ठीक है, तो ये आप लोगों को अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर आप लोगों को अंडमान जो निकोबार देखने को मिलेगा। तो लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारी कंट्री की जो साइड में, ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर डेवलपमेंट की बात चली है काफी लार्ज स्केल पर, यहां पर एयरपोर्ट जो है रेजिडेंशियल जो एरिया है वो आज की डेट में कोस्टल लाइन वाले जो एरिया में वो पर लेकिन इंपैक्टेड हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, पिघलने से पानी आ रहा है, तो पानी आने से जो यहां पर एयरपोर्ट वगैरह जो सारी चीजें वो दिक्कत में आ रही है। तो 36 यानी 36 आइलैंड है इसके ऊपर आज के डेट में, तो सी लेवल जो राइज हो रहा है जिसको बोलते हैं SLR आगे बोलूंगा, तो सी लेवल के राइज होने की वजह से तीन मेन प्रॉब्लम आ गई है, एक तो थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ये क्या होता है जैसे मान लीजिए गर्मी की वजह से कई बार ऐसा होता है जो पटरियां है ना ट्रेन की वो बढ़ जाती है, उनकी जो लेंथ बढ़ जाती है, तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है बेसिकली अगर टर्म आप लोगों से पूछे जाए तो टेंडेंसी होती है कोई मैटर जो होता है वो किस तरीके से शेप ले ले, ठीक है, एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर उसकी जो डेंसिटी है यानी कि उसकी जो घनत्व है उसमें चेंज हो जाए, तो ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक तरीके से टेम्परेचर के चलते, ठीक है, तो एक तरीके से जो अनयूजुअल बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा चेंजेस के अंदर हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को यहां पर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, तो ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। ग्लेशियर पिघल गए, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वो यहां पर पिघल गया, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। तो इसको रोकने के लिए तो देखिए बेसिकली हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा, पर लेकिन नॉर्मली भी यहां पर अगर ये और बढ़ता ही जा रहा है यहां पर ओशन का लेवल, तो फिर उसको कैसे करना है, तो ग्लोबल सी लेवल का जो राइज हुआ है पिछले कुछ टाइम में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 8.9 या फिर मोटे मोटे तौर पर 9 इंच बोल सकते हैं 1880 से लेकर 2015 तक का। आप लोग जो फिटी होते हैं ना नॉर्मली जो एक स्केल आप लोगों के पास में होता है वो 6 इंच का होता है, ठीक है, जो बड़े वाला जो स्केल होता है वो आप लोगों का लगभग 12 इंच का होता है, तो उसमें 9 इंच आप लोग काउंट कर लीजिए आप, यानी कि ऑल ओवर दुनिया में पूरे संसार के अंदर में 9 इंच जैसे समुद्र का लेवल मान लीजिए यहां तक था, ठीक है, यहां पर ये पानी था पूरा समुद्र का लेवल, अब यहां पर इसमें 9 इंच यहां पर बढ़ गया और ऊपर इतना लेवल हो गया, तो आप लोग सोचिए यहां पर आसपास वाले एरिया में अगर कोई घर वगैरह होंगे, ठीक है, कोई एयरपोर्ट वगैरह होगा तो उसके डूबने के चांसेस हो गए। तो ग्लोबल सी लेवल जो है वो यहां पर ऑल ओवर दुनिया में लगभग 9 इंच बढ़ गया है अगर इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें 1880 से लेकर 2015 तक का। पर लेकिन अगर बात करें सी लेवल के बारे में क्या यूनिफॉर्म बढ़ते हैं, यानी कि जो सी लेवल बढ़ रहा है कहीं और क्या वही सी लेवल आप लोगों को यहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि मान लीजिए कोई सी लेवल बढ़ रहा है यहां पर अटलांटिक ओशन में कुछ और हो रहा है, ठीक है, सदर्न अटलांटिक में कुछ और हो रहा है, ताकि ऐसा कुछ कंडीशन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लोग चेंज बोल सकते हैं कि ऐसा है कि सब जगह एक तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों को चेंज नजर आएगा। तो चेंज नजर आप लोगों को यहां पर उसके अंदर आ सकते हैं जैसे कि सी लेवल राइज में, जैसे कि कोस्टल फ्लडिंग के बारे में बात करें, ठीक है, कोस्टल बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करें तो नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पर लेकिन एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा, उसका रीजन क्या है कि फ्लड कंट्रोल एरिया कैसा है, इरोजन कितना हो रहा है, पता चला मिट्टी कटती कटती जा रही है वहां से और मिट्टी कट कट के वो और ज्यादा एरिया को अपने अंदर ले ली, ठीक है, तो सी लेवल तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि और ज्यादा गहराई में घुस गई वहां पर मिट्टी, ऐसा होगा नहीं कि मिट्टी कट के चली गई बहुत सारा एरिया अपने अंदर ले लिया, तो सी लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि और ज्यादा एरिया पानी के अंदर ही आ गया, तो सी लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि और ज्यादा एरिया आ गया, ठीक है, ऐसा लीजिए इससे कि एक बर्तन है, ये बर्तन हो गया एक गिलास, ठीक है, ये गिलास यहां पर इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, अब आप लोगों ने एक छोटा गिलास लिया, अब उसमें ले जाकर पानी डालिए तो ये पूरा उसमें भर के भी नीचे निकल जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इससे बड़ा बर्तन ले लिया आप लोगों ने तो उसमें ये पानी यहीं तक ही आ जाएगा, तो अगर बड़ा एरिया हो जाएगा तो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो इस तरीके से मिट्टी कटकर वो पानी के अंदर आ गया तो वहां पर उसके चलते उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कम आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो करंट होती है उसकी वजह से पानी में वेरिएशन रहता है। ओशन करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये अलग अलग एरिया में पानी को ले जाने का काम करते हैं, तो सब जगह लेवल कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कम रहेगा, इसी
इसी के साथ में जो आइस सीट पिघल कर आ रही है, पता चला हमारा हिमालयन रीजन जो पिघल रहा है, नदियों में पानी आ रहा है, उसकी आइस सीट थोड़ी मोटी है, ठीक है। पता चला अंटार्कटिका वाले रीजन में जो आइस सीट है वो थोड़ी पतली है, हालांकि मोटी होगी, पतली तो होने से रही, पर लेकिन उनकी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तो प्रत जो बर्फ की है वो कितनी मोटी पिघल रही है, कितनी पतली पिघल रही है, उससे कितना पानी आ रहा है, वो भी डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो पानी पिघल कर आता है उनमें डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, तो इसके चलते आप लोग यहां पर बेसिकली आइडिया रख सकते हैं। ये एरिया है जिसके चलते बात करें यहां पर खासकर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो काफी लार्ज स्केल पर लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो यहां पर इनलैंड जो लाइफ है वो दिक्कत में आ जाती है, टूरिज्म और जो मिलिट्री प्रिपेयरनेस जो है वो भी देखने को मिलती है, तो प्रॉपर इमेज चलेगी तभी चीजें रुक पाएंगी। तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, कई सारी दिक्कतें और भी देखने को मिली सी लेवल का जो राइज हो गया उसकी वजह से। काराबती आइलैंड जो है उसने शिफ्ट करने की बात की जा रही है फिजी के पास में। तो काराबती आइलैंड कहां देखने को मिलेगा, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर आप लोगों को इंडिया देखने को मिलेगा यहां पर इधर, ठीक है। तो ये यहां पर ये इंडिया, अच्छा यहां पर इंडिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए दिखाई देता हूं वरना कंफ्यूजन रहेगा, एक मिनट रुकिए, ठीक है। यहां से आप लोग देखिए तो यहां पर ये बात की जा रही है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ओके। तो अपनी कंट्री के साथ में आप लोग देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले। तो ये काराबती जो आइलैंड है यहां पर अगर आज के डेट में बात की जाए तो ये शिफ्ट होना चाह रहे हैं यहां पर कहां से, फिजी के पास में, क्योंकि यहां पर समुद्र लेवल बढ़ने की वजह से इनका जो एरिया है नीचे आ गया है, तो दिक्कत देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसको रिलोकेट किया गया जकार्ता से यहां पर, ये बेसिकली बोर्नियो, यही रीजन यहां पर देखने को मिला। कई सारी कंट्री क्या कर रही है यहां पर, ये बिल्ड कर रही है सी वॉल, यानी कि एक तरीके से समुद्र के सामने बेसिकली वॉल बना दे रही है ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए। इसी के नाम पर आप लोगों को जायंट ग्रुडा का नाम भी इसको दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा भी, और एक तरीके से यानी कि समुद्र के अंदर वॉल बना दी। कई सारी क्या कर रही है, जैसे कि नॉर्दर्न जो यूरोपियन एनक्लोजर डैम बना दिए यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सी के अंदर, ताकि जो पानी आने से रोका जा सके। यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये इसको रोक दिया पानी को ताकि अंदर न लाया जा सके, डैम बना दिया उसको यूज किया जा सके ताकि पानी ज्यादा ना आए, क्योंकि कंट्री जो है दिक्कत में आ गई थी पानी का लेवल बढ़ने की वजह से। तो इसकी वजह से यहां पर ये पर्टिकुलर कई सारे एरिया में ऐसे काम किए जा रहे हैं ये समुद्र का ओशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये दिक्कत निकल कर आ रही है। आर्किटेक्चर क्रिएट की जा रही है फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए यहां पर, और भी कई सारे, ठीक है, जैसे डच सिटी जो रोटरडैम जो बुल्ट किया जा रहा है, बैरेज यहां पर, कई तरीके के ऐसे ड्रेनेज सिस्टम या फिर कुछ ऐसी चीजें की जा रही है ताकि जो पानी का जो बढ़ता हुआ लेवल है उसको रोका जा सके। कोई बांध बना के कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारे तरीके हैं, पर लेकिन हो किसकी वजह से नहीं सर यहां पे, ये ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से जो पानी जो बर्फ पिघल रहा है और फिर पानी आ रहा है ओशन के अंदर, तो उसकी वजह से। तो नॉर्मली हम लोग जैसे कि नॉर्मल हम लोग लैंड के अंदर रहते हैं अपनी कंट्री में, तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती, पर लेकिन रियलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में सोसाइटी के अंदर, जिसको आज के डेट में फोकस देना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहां पर बात की जा रही है ब्लू ओरिजन के बारे में। तो ब्लू ओरिजन जो अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेज़ोस, उनकी ये इनके बेसिकली यहां पर ये बेसिकली कंपनी है, ठीक है। तो उसके द्वारा यहां पर एक नया मिशन जिसको बोला गया न्यू सेफर्ड, ठीक है। तो ये जो न्यू सेफर्ड जो बेसिकली यहां पर एक तरीके से रॉकेट सिस्टम है, उसके अंदर टूरिस्ट को बैठाकर ले जाया जाएगा स्पेस की यात्रा कराने के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी जो ब्लू ओरिजन ये काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहां पर इलोन मस्क अपनी कंपनी जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे यहां पर आप लोगों को ये काम करती नजर आ रही है। तो पहली बार जो ह्यूमन फ्लाइट देखने को मिली थी, ये इसको बेसिकली पहली जो ह्यूमन फ्लाइट इसकी रहेगी, ये 20 जुलाई 2021 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जून चल रहा है, जुलाई में यहां पर ये चीजें स्टार्ट आप लोगों को नजर आएंगी लगभग एक महीने बाद में। तो यहां पर 52वीं एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट की जाएगी, नील आर्मस्ट्रांग और जो बुज एल्ड्रिन है ये चांद पर गए थे, तो उन्हीं के चलते यहां पर 52वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ये यहां पर अब इनके द्वारा ये मिशन यहां पर देखा जाएगा। तो न्यू जो यहां पर बेसिकली सेफर्ड है, यहां पर ये एक नेम दिया गया एस्ट्रोनॉट एलन सेफर्ड के नाम पर, जो कि फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये क्या किया जाएगा कि स्पेस में पहुंचाया जाएगा लोगों को ताकि वो लाइफ को एंजॉय कर सके, लगभग 100 किलोमीटर अबव, यानी कि पृथ्वी से अगर ये जाएंगे तो यहां पर जैसे कि ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया, तो कहां पर लेकर जाया जाएगा, तो 100 किलोमीटर के करीब यहां पर जो कर्मिन जो लाइन है यहां पर, ये यहां तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूछा जाए कहां पर है, तो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहां तक ले जाने की कोशिश यहां पर की जाएगी, जिसको बेसिकली कर्मन लाइन बोला गया है, ठीक है। तो ये जो लेकर जाएंगे कर्मन लाइन तक लेके जाएंगे, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति से ऊपर यहां पर लोगों को लेकर जाया जाएगा। ये एक ऐसा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर माइक्रोग्रेविटी, यानी कि जो कंडीशन है यहां पर वेटलेसनेस, यानी कि एक तरीके से इंसान को जाने के बाद में उसको वेट फील नहीं होगा।
तो इसके चलते यहां पर ये बेसिकली ये चीजें सामने लाई गई, इसको एक तरीके से इजी बनाया गया लोगों को ताकि लोग इसको एंजॉय कर सके, ताकि अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, कोई यहां पर एक कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर कोई बनना चाहता है इस पर्टिकुलर फील्ड में आकर, तो वो उसको एक्सपीरियंस कर सके। उसके चलते यहां पर इनके द्वारा चीजें स्टार्ट की गई है। तो 100 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा, करमिल लाइन एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बाउंड्री मानी जाती है स्पेस की, कि यहां से चीजें बाहर चली जाती है। यहां पर अगर इस लाइन को आप लोग देखेगा, इसके बाद में बोल देते हैं कि फिर ये क्या हो गया, बाहर का स्पेस होना स्टार्ट हो जाता है यहां पर ये। तो इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं। तो स्पेस टूरिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है, एक तो मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा यहां पर कोई इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ में, हाँ मैंने कुछ ऐसा किया, बिजनेस के पर्पज से अगर कोई जाना चाहते हैं, तो इसलिए यहां पर ये सारा माहौल क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो क्या आप लोगों का भी मन है जाने का, तो इसके लिए एक ह्यूज मनी पे करनी पड़ेगी, नो मनी, एक बहुत ज्यादा मनी है, कॉमन इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो कोई बिजनेसमैन अगर कोई कमा रहा है अच्छे खासे पैसे, तो वो इन सब चीजों के बारे में सोच सकता है नॉर्मली। आगे बात करते हैं, यहां पर डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, और INEU NAVFOR इसको बोलते हैं, IN यानी कि इंडियन नेवी, EU यूरोपियन, NA बेसिकली हो गया नेवल फोर्स। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये पूरा ये एक्सरसाइज है, ये गल्फ ऑफ एडन में आप लोग बोलेंगे। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर देख लो, ये होगा गल्फ ऑफ एडन। तो इस पर्टिकुलर रीजन में अरेबियन सी वाली साइड में आप लोग यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये यहां पर बेसिकली आप लोग देखते हैं पूरा रीजन है आप लोगों के सामने। अभी कई सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कई सारी चीजें और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, इस पर्टिकुलर रीजन में इंडियन नेवी और जो नेवल फोर्स है यहां पर इटली, स्पेन और फ्रांस की, ये मिलकर काम कर रही है। तो यहां पर नेवल एक्सरसाइज, एक तो यहां पर कोई भी अगर यहां पर डिफेंस के पॉइंट ऑफ से या फिर एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की जा सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया जा सके। तो एम यही है कि कल को चलकर कोई अगर वॉर हो रही है उसके साथ में कैसे फाइट करना है, एक दूसरे के साथ में मिलकर पीस और शांति कैसे बनाकर रखनी है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो मिलकर ये काम करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर, ये पायरेसी को रोकने का काम करें सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर कोई चल रहे हैं, ठीक है, पता चला उनके जो जहाज जा रहे हैं भर भर कर खाने के, उनको कोई लूट कर ले गया, तो इसके चलते ये चीजें देखने को मिलती हैं। दो नेवी जो है नॉर्मली यहां पर, ये जो नेवीज हैं दोनों, जिसके तरीके से हम लोगों ने देखा यूरोप की और इंडिया, तो इनके द्वारा शेयर्ड अवेयरनेस और इसी के साथ में डी कॉन्फ्लिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हर साल बहरीन के अंदर। ठीक है, तो बहरीन कहां पर है ये एग्जैक्टली आप लोग देखते हैं, यहां पर बहरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस रीजन में जाकर यहां पर ये सारी चीजें इनके द्वारा हर साल ये यहीं पर ही फिक्स होता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कहां पर है, तो हर साल ये बेसिकली जिसको SHADE बोला गया है, ये इसी रीजन में देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली पायरेसी को काउंटर करने के लिए यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। एम यही है कि इंक्रीज किया जा सके, ताकि इस तरीके की हरकतों को रोका जा सके। ठीक है, काउंटर पायरेसी यहां पर बेसिकली गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ ओमन में, या फिर वेस्टर्न जो इंडियन ओशन है उसके अंदर में। तो इसके चलते यहां पर फ्रीडम ऑफ सी के अंदर एक नेविगेशन होना चाहिए, तो इसके चलते कोई ना कोई तो सुरक्षा करेगा, तभी जाकर चीजें सुधरेंगी। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है इनके अंदर एक दूसरे की से, इंडियन नेवी के साथ में जो दूसरे बेसिकली जो होर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास वाले रीजन में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, होर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो होर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एरिडेरा हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया और इथोपिया, तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग बोल सकते हैं। तो इस कंट्री के साथ में मिलकर काफी काम किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। जल्दी जल्दी एक मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद में क्विज होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखिए, तीन इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किए, तीन में सबसे इंपॉर्टेंट यही था जो याद रखेगा, भूलना नहीं है। बाकी हम लोगों ने यहां पर कई सारी शॉर्ट न्यूज देखी, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने कई सारी बातें जानी, तो ये वाली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और गेम वाली याद रखेगा। ये हम लोगों ने जाना यूएसए के अंदर काम करने को कैसा और रियायत दी जा रही है, ये समझा बेसिकली एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना, और यहां पर ये देखा हम लोगों ने पर्टिकुलर और रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ये रीजन हो गए। यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी जो बेसिकली काउंसिल से रिलेटेड कुछ बातें जानी, इनके जनरल सेक्रेटरी के बारे में, ठीक है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने जानी। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर भी कई सारी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी आप लोगों से, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर, समुद्र के लेवल के बारे में हम लोगों ने चीजें समझी, किस तरीके सी लेवल बढ़ रहा है और क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ये ब्लू ओरिजन के द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है उन चीजों को समझा। डिफेंस के अंदर बात करें तो इंडिया और यूरोपियन के जो कंट्री उनके साथ में जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने समझी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए अब क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। थीम बतानी है यहाँ पर इंटरनेशनल जो वीडियो डे है उसके बारे में, CAIMS की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, IRSDC क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, यूएन सेक्रेटरी के बारे में बात कीजिए कौन से नंबर के हैं ये बताना है, जो CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किसके अंदर में आते हैं बताना है, इंडिया जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो लक्षद्वीप वो किसके अंदर आता है, ये आप लोगों को कितने आइलैंड है ये बताना है। ठीक है, कहां पर कैराबती के लोगों को यहां पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है,
वेटलेसनेस जब फील करो तो उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को आप लोगों को बताना है। ये यहां पर कहां पर हो रही है, यहां पर जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो नेशन की नेवल एक्सरसाइज, ये बताएगा SHADE, ये बेसिकली कहां पर हर साल अपना जो डिस्कशन करते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट डे का, जो पाके टाइगर रिजर्व के बारे में हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है, अभी यहां पर आप लोगों से डिस्कस किया तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर इसको फिर से बता देना, तो इसलिए मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में यहां पर जो एनर्जी सिक्योरिटी जो लिमिटेड के बारे में अगर बात करें, ये अभी यहां पर जो बेसिकली ये एक कंपनी है, इसके द्वारा एमओयू साइन किया गया कि यूटी के साथ में मिलकर ताकि ग्रीन एनर्जी सपोर्ट की जा सके। लार्ज जो बात करें जो बेसिकली प्रोड्यूसर है यहां पर ग्राउंड नट के, हमारी कंट्री में कौन से राज्य हैं ये आप लोगों को बताना है। जैसे बात करें यहां पर जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज छोटे छोटे लघु उद्योग को सपोर्ट करने के लिए 500 मिलियन किसके द्वारा दिए गए, RAMP की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। इसी के साथ में श्रीलंका से किसने GSP प्लस का जो सिस्टम बेसिकली वो टेम्परेरी विड्रॉ कर लिया है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में इनलैंड वेसल एक्ट जो लाया जा रहा है 2021 का बिल, वो किसको रिप्लेस करने वाला है ये बताना है। नेशनल वाटरवेज कौन सा है जो सबसे लंबा हमारी कंट्री में, बताना है। कौन सा आर्टिकल गवर्नर को पावर देता है कि एक गवर्नर हो सकता है एक राज्य का फिर एक से ज्यादा राज्य का, ये बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई सब्सिडी, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है कितनी, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो आंसर देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये आप लोगों ने अभी देखा पकुई जो टाइगर रिजर्व है, लद्दाख के अंदर यहां पर ये इसको पहला ग्रीन जो कार्बन फ्री एरिया बनाने की बात की जा रही है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का, फिर राजस्थान है ये याद रखना, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लघु उद्योग की हेल्प की जा रही है। और रैंप जो है यहां पर ये बात की जा रही है राइजिंग एंड एक्सेलेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को, ये बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को बेसिकली जॉब प्रोवाइड कराई जाती है इनके द्वारा। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर यूरोपियन यूनियन कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि जो यहां पर जो कंट्री है जो ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, अगर वो लाकर सामान बेचती है यूरोपियन कंट्री के अंदर तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है, फिर जीरो कर दिया जाता है ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ सके और इन कंट्री को थोड़ा फायदा हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा इनलैंड वेसल जो बिल लाए गए यहां पर, ये 1970 का जो बिल है उसको रिप्लेस करेगा एक्ट को, ठीक है। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, ये सबसे लंबा है हमारी कंट्री का, लॉन्गेस्ट है यहां पर ये गंगा जो भागीरथी हुगली को यहां पर पार करता हुआ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पहुंचता है, ठीक है। आर्टिकल 153 बात करता है गवर्नर के बारे में, याद रखना। इसी के साथ में सब्सिडी 50% की बात की जा रही है, अगर कोई यहां पर बेसिकली व्हीकल लेता है यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फेम स्कीम जरूर याद रखना, फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जल्दी से जल्दी आप लोग यहां पर इन व्हीकल को बेसिकली मैन्युफैक्चर करो ताकि देश में फायदा देखने को मिल सके, ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लेक्चर कैसा लगा यार जरूर बताना, क्या फीडबैक आप लोगों का रहेगा, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग दोगे, एक सेकंड लगती है फीडबैक जरूर दिया करो, इससे अच्छा भी लगता है, हाँ पता चलता रहता है चीजों का। और बाकी PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है, जो भी आप लोगों ने सीखा किसी को जरूर पढ़ाइएगा, पढ़ाने के बाद में जो संतुष्टि मिलेगी उसका किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर खुद नहीं पढ़ा पाते तो लेक्चर को लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हैं, उन्हें कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो इसलिए सारी चीजें अच्छी अच्छी अगर लोगों को शेयर करोगे तो सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां से आप लोग ये बात याद रखेगा, आसपास सफाई रखनी, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।